नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। आज एक नज्म सुन रहा था, अक्सर सुनता हूँ, फिर सुनी आज, फिल्म मेरे महबूब की जो 1963 में रिलीज हुई थी। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, क्या सीन खींचा है शकील साहब ने। ऐसा लगता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही कोई साहब अपनी महबूबा को ढूंढ रहे हैं, वहीं खो गए। बहुत ही खूबसूरत नज्म। फिर जब ये नज्म सुनी तो रफ़ी साहब का ख्याल आया, शकील बदायूनी साहब, नौशाद साहब, और सोचा तो फिर शकील साहब और नौशाद साहब का जो साथ रहा फिल्म दर्द से। कई फिल्में आईं, बेजू बावरा, दीदार, आन, मदर इंडिया, उड़न खटोला, लीडर, गंगा जमुना। क्या काम है इन लोगों ने जो काम किया है। जोड़ियां जो होती थी पहले नौशाद साहब की शकील साहब के साथ, फिर मदन मोहन साहब की जोड़ी राजा मेहंदी अली खान साहब के साथ, शंकर जयकिशन की जोड़ी शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब के साथ, बहुत खूबसूरत काम। आज हम जिक्र कर रहे हैं नौशाद साहब का और शकील साहब का। यकीनन आन के गीतों को नहीं भूल सकते, बेजू बावरा, दीदार, किसे भूल सकते हैं। दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, रूहानी रात ढल चुकी, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे जब भयो राम जुलम भयो रे, होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। दुनिया के रखवाले सुन दर्द, मेरे महबूब तुझे मेरी मुहा, जाएंगे हम अकेले ये जिंदगी के मेले। लेकिन आज मैं आपको जो दोस्तों बात बताने जा रहा हूं ना, उस गीत की, वैसे तो हर गीत ही इनका लाजवाब रहा, लेकिन जिस नगमे का आज जिक्र करेंगे, खास इस गीत ने, इस नगमे ने नौशाद अली और शकील बदायूनी की रातों की नींद छीन ली थी। जी हाँ, इतने दिग्गज ये संगीतकार और गीतकार, शायर, पर एक साहब ने इनकी आंखों की नींद छीन ली थी। ऐसी सिचुएशन दी कि ये आपको नगमा लिखना है। क्या ये सारी बात है, आप भी सोच रहे होंगे, बहुत से लोग शायद समझ भी रहा होंगे। तो साहब, 1960 की जो फिल्म है मुगले आजम, उसमें बहुत सारे गीत हैं, ये हम जानते हैं, और सारे ही नगमे मशहूर हुए। और उस फिल्म की कामयाबी डायलॉग्स थे, एक्टिंग थी, सेट्स थे, डायरेक्शन था के आसिफ साहब का, लेकिन म्यूजिक, शायरी भी बड़ी अहम कड़ी थी मुगले आजम की। सारे ही गीत बड़े खूबसूरत बन पड़े थे। आसिफ और नौशाद साहब बहुत पुराने दोस्त थे, जब एक साथ एक कप में चाय पिया करते थे, मतलब गरीबी के दिनों में। और आसिफ का जुनून मुगले आजम को लेकर हम आपको बता चुके हैं, और उससे आप लोग वाकिफ भी हैं। अब साहब, इसी जुनून के तहत के आसिफ ने एक दिन संगीतकार नौशाद साहब को बुलाया कि नौशाद साहब मिलना है। नौशाद साहब ने कहा जी साहब, हाजिर होता हूं। के आसिफ ने उनको एक सिचुएशन बताई कि ये सिचुएशन है अनारकली का रक्स अकबर के सामने, इस पर आप कुछ बनाइए, बेहतरीन गीत के देखने वाले और सुनने वाले वाह वाह कर उठे। नौशाद साहब कहानी में भी दखल रखते थे, काफी उन्हें नॉलेज था, तो उन्होंने के आसिफ से कहा कि साहब, ये सिचुएशन तो यूज हो चुकी है अनारकली फिल्म में, तो वही सिचुएशन और उसी पर आप गीत लिखवा रहे हैं, कुछ बदल दीजिए, कुछ चेंज कीजिए। नहीं तो होता ना कि आमतौर पर जो फिल्म बनती है फिर उसकी सीक्वल बने तो उतनी नहीं चलती, क्योंकि कंपैरिजन हो जाता है।
सुपर स्टार का बेटा इतना आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि फिर कंपैरिजन हो जाता है बाप से। तो नौशाद साहब ने राय दी कि सिचुएशन कुछ और कर दीजिए। लेकिन के आसिफ तो जिद्दी थे, सिगरेट पीते थे और झिड़क देते थे। वो नौशाद साहब से कहा कि देखिए साहब, मैं शीश महल का सेट लगवा रहा हूँ और वहाँ पर ये नगमा पिक्चराइज होना है और भी जो शूटिंग है वो होनी है, तो जनाब सिचुएशन तो यही रहेगी, ये नहीं बदल सकती, है ना। तो नौशाद साहब, अब आपका और शकील साहब का इम्तिहान है, उसी सिचुएशन पर बेहतरीन नगमा लिखिए जो ऐसा छा जाए ज़माने पर कि रहती दुनिया तक लोग उसे याद रखें। नौशाद अली समझ गए कि ये आसिफ मानने वाला नहीं है, ये कुछ अलग है इंसान ये। खैर, नौशाद साहब अपने घर गए, बेगम से कहा कि देखो हम बिजी होने वाले हैं तो कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, और शकील साहब को बुला लिया अपने घर पर जहां ये गीत बनाया करते थे, नौशाद साहब के घर के ऊपर ऊपर वाले कमरे में, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। और बेगम से कह दिया कि ज़रा चाय वगैरह कुछ भेज देना बीच में अगर आपको लगे तो। शकील साहब आए, दौड़े भागे कहे हाँ नौशाद साहब। नौशाद साहब ने पूरी कहानी शकील बताई, उन्हीं को बताई कि आसिफ ने ये सिचुएशन बताई और इस पर तो गीत लिखा जा चुका है। मैंने कहा सिचुएशन बदल दो, लेकिन वो नहीं माने। शकील साहब ने भी कहा कि साहब सिचुएशन चेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो नौशाद अली ने कहा भैया वो इंसान किसी की सुनता नहीं, अब तो इसी पर लिखना है, आप आ जाओ। दोनों ऊपर चले गए कमरे में। उस वक्त तकरीबन शाम के 6 बज रहे थे साहब। अब शकील साहब और नौशाद साहब लगे, शकील साहब लिख रहे हैं, नौशाद साहब धुन बना रहे हैं। रात हो गई और लिख रहे हैं, पेज फाड़ रहे हैं, पूरा जो कमरा था वो अखबार से, जो पेपर था उससे भर गए। बात बन नहीं रही थी, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लिख रहे थे, लेकिन वो जो चाहिए था। फिर बिल्कुल जब रात ढल रही थी तो शकील साहब को एक गीत याद आया पूर्वी भाषा में, क्योंकि ये सब यूपी के हैं नौशाद साहब, शकील साहब। पूर्वी भाषा में एक गीत का जो मुखड़ा याद आया और उन्होंने उसे लिखा, फिर तर्जुमा उसका करके फिर नौशाद साहब को सुनाया। नौशाद साहब ने कहा जनाब अब बात बन गई, धुन बना थी। इस तरह से फिर ये गीत बन गया। और ये लोग जब बाहर निकले कमरे से सुबह, तो देखा तो सूरज जो डूब रहा था शाम में, वो सुबह उग रहा था पूरी रात। अच्छा, वो गीत कौन सा था? मुगले आजम के तो बहुत से नगमे थे, अब आप समझ तो चुके ही हैं। तो ये गीत जो जान है फिल्म मुगले आजम का और लता जी का बेहतरीन नगमा है, जब प्यार किया तो डरना क्या, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। डांस मधुबाला का, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर साहब, दुर्गा खोटी जी, और इसका पिक्चराइजेशन फिर हुआ शीश महल का जो सेट लगा था, और के आसिफ भी खुश। और ये गीत कितना मकबूल हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास करके इसके बोल हों, संगीत हो, और इसका जो पिक्चराइजेशन रहा जो शीश महल में देखा ही हमने। तो दोस्तों, पूरी रात कुर्बान कर दी शकील बदायूनी और नौशाद अली ने, तब जाके ये नगमा बना। और यही गीत नहीं, तमाम गीतों पर ऐसी ही मेहनत होती थी। यही वजह है कि उस ज़माने का जो गीत और संगीत है उसे लोग आज भी उतने ही चाव से सुनते हैं, बल्कि और ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ अब कम बनती है। तो नौशाद साहब अपने इंटरव्यू में अक्सर कहा करते थे कि ये नगमे इसलिए इतने मशहूर हैं कि उसमें हमारी कुर्बानियाँ भी हैं और रातें भी शामिल हैं जो हमने बिना खाए पिए गुजार दी। ऐसे महान कलाकारों को फराज का सलाम है, हम इन्हें किसी ना किसी बहाने याद करते हैं, गीत तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये कहानियाँ, ये दिलचस्प किस्से भी ज़रूरी हैं दोस्तों। आपके पास भी अगर किसी फिल्म को लेकर किसी कलाकार से जुड़ा कोई किस्सा हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम उस पर कार्यक्रम बनाएंगे ताकि ये अच्छी बातें लोगों तक पहुँचें और हम लोग भी प्रेरित हो सकें अच्छा काम करने के लिए। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी फिल्मी फराज चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।
धागिन 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 धागिन